अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद रदीम। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं तहसील मैलसी से। आरानी इत्तेहाद मैलसी का महाना इजलास, तमाम अहदेदारान और मेंबरान की भरपूर शिरकत। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। आरानी इत्तेहाद मैलसी का महाना इजलास मोहल्ला हरीपुरा में आरानी इत्तेहाद के सदर और प्रेस क्लब रुकन चौधरी इमरान आरानी की रिहाइश गाह पर मुनक़िद हुआ, जिसमें मैलसी की आरानी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान व अहदेदारान के अलावा कसीर तादाद में शिरकत की। महाना इजलास का मकसद आरानी बिरादरी को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करना और आपस में यकजहती को फ़रोग देना था। इजलास में शरीक तमाम अहबाब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कोरोना लॉकडाउन के बाद हर माह बाकायदगी के साथ इजलास मुनक़िद करने पर ज़ोर दिया गया, ताकि आपस में फासले कम हों और आरानी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए मौसर इकदाम किए जा सकें। इजलास से खिताब करते हुए सरकर्दा रहनुमाओं ने आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में तहसील मैलसी की तमाम विलेजेस और टाउन काउंसलों में जहां आरानी बिरादरी की अक्सरियत है वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर कसरत राय से इतफाक़ किया और इस अज़म का अयादा किया कि वो मैलसी की तारीख के खुद साख्ता सियासतदानों की सियासत को हमेशा के लिए दफन करने के लिए आरानी बिरादरी के प्लेटफार्म से अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सईद अहमद, तफसीलात आगाह करने के लिए।